जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले, जय जय केदार। देवभूमि उत्तराखंड का सभी भाई बहनों ते मेरु सादर नमस्कार। बाबा केदार को आशीर्वाद सबू पर बनियो रहो, इन्हीं कामना छे। कल ही देश और दुनिया में दीपावली का पावन पर्व मनाया गया। इस दीपावली के पावन पर्व निमित्त देश और दुनिया में फैले हुए हमारे सभी बंधु भगिनी को केदारनाथ की इस पवित्र धरती से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात जैसे कुछ राज्य हैं जहां आज नववर्ष प्रारंभ होता है, नूतन वर्षाभिनंदन। साल मुबारक। विश्व भर में फैले हुए वो सभी परिवार जो आज नूतन वर्ष का प्रारंभ करते हैं, उनको भी मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया। फिर एक बार खींचता चला आया बाबों के चरणों में। आज कुछ पुराने लोग मिल गए मुझे, उन्होंने जो कुछ भी मेरे विषय में सुना होगा वो आज मुझे पुनः स्मरण करा रहे थे। कभी ये गरुड़ चट्टी जहां पर जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो पल थे जब इस मिट्टी में रम गमाया गया था मैं। लेकिन शायद बाबा की इच्छा नहीं थी कि मैं उसके चरणों में जीवन व्यतीत करूं, और जब बाबा ने मुझे यहां से वापिस भेज दिया, और शायद बाबा ने तय किया होगा एक बाबा क्या 125 करोड़ बाबा है देश में, कभी उनकी तो सेवा करो। और हमारे यहां तो कहा गया है जन सेवा ही प्रभु सेवा, और इसलिए आज मेरे लिए 125 करोड़ देशवासियों की सेवा यही बाबा की सेवा है, यही बद्री विशाल की सेवा है, यही मंदाकिनी की सेवा है, यही गंगा माँ की सेवा है।
और इसलिए आज फिर एक बार यहां से संकल्पबद्ध होकर के, यहां से नई ऊर्जा को प्राप्त कर करके, भोले बाबा के आशीर्वाद लेकर के पूर्ण पवित्र मन से, दृढ़ संकल्प से 2022 भारत की आजादी के 75 साल हर हिंदुस्तानी का संकल्प, हर हिंदुस्तानी के दिल में, दुनिया में हिंदुस्तान को सिर मोर पहुंचाने की इरादा, बाबा के आशीर्वाद से हर हिंदुस्तानी में वो चेतना जगेगी, हर हिंदुस्तानी उस संकल्प को पार करने के लिए जी जान से जुटेगा। इस श्रद्धा के साथ मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती पर प्राकृतिक आपदा के जो शिकार हुए, देश के हर राज्य में से किसी ने अपना देह यहीं पर छोड़ दिया और बाबा की धरती में वो रम गया, उन सभी हुतात्माओं को आज मैं आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। देश के सभी राज्यों के वो लोग थे और उस समय मेरी स्वाभाविक संवेदनशीलता थी। मैं वैसे तो एक राज्य का मुख्यमंत्री था, किसी दूसरे राज्य में एंक्रोचमेंट करने का न मुझे हक है, न मैं ऐसा कभी सोच भी सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। अच्छा किया बुरा किया वो तो इतिहास तय करेगा, लेकिन उन पीड़ितों के लिए पहुंच जाना मेरे मन को मैं रोक नहीं पाया था और मैं चला आया था। और उस समय मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए, जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए, उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री, अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा एक घंटे के भंटर, ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिरुक्त रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। ठीक है जी, जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को परेशानी होती है तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं, मैं हट गया। लेकिन शायद बाबा ने ही तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था। और जब मैं यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, उत्तराखंड के लोगों ने भरपूर समर्थन किया, तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि बाबा ने तय कर लिया है कि यह काम मुझे करना ही पड़ेगा। और इसीलिए कमाड़ खुलते समय में आया था
मन में कुछ संकल्प करके गया था और कबाट बंद होने से पहले यहां पहुंच गया हूं और बाबा के श्री चरणों में फिर से एक बार निवेदन करता हूं।